हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस में आपके लिए खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर ये फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म को मैंने फॉर्म वन के नाम से सेव किया और यहां दिया गया फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब ये टोटल बीबीए की प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया है, यानी टोटल बीबीए की कोडिंग है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर कोई वैल्यू लिखता हूं, लाइक 77 लिख दिया, आप देख सकते हैं यहां पर 77 लिखा गया और नीचे आने के लिए टैब बटन प्रेस करेंगे, यहां पे 4 लिख दिया, तो 77 में 4 ऐड करते हैं तो यहां पर ऐड का साइन आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर अगर आप इक्वल टू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर एक मैसेज बॉक्स आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप, और इसमें आंसर दिखा रहा है 81। तो 77 में 4 ऐड करते हैं तो 81 ही आता है, लेकिन ये बना कैसे। फिर मैं इसको चेंज करता हूं, यहां पर 3 रखता हूं और 3 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये तो जाहिर सी बात है 7 आएगा, लेकिन ये मैसेज बॉक्स ये इस तरीके से वीबीए की कोडिंग की मदद से ये इस तरह का जो प्रोग्राम है ये कैसे बनाया गया, आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इस तरह का प्रोग्राम, इसको मैं क्लोज करता हूं, अगर आप इस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो क्रिएट पे जाइए और क्रिएट पे जाने पर यहां से फॉर्म डिजाइन पे आ जाइए। आ गए, अब आपको क्या करना है, यहां पर जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसको बनाना है। तो यहां पर क्लिक किया, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करूंगा और फिर इसी को कॉपी करके मैं दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। तो दोनों को एक के नीचे एक लेके आएंगे हम, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस तो आ चुके हैं, ठीक है। देखिए चूंकि इन दोनों को हम एक साथ मूव करेंगे, ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक जैसे ही करते हैं तो ये देखिए बड़ी सी मेन्यू खुलती है। अब इसमें आपको जाना कहाँ है, देखिए जाना है आपको लेआउट में और लेआउट में जाके इसको स्टैक्ड कर देना। स्टैक्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक्ड, कि ये दोनों मूव होंगे तो एक साथ, ठीक है। तो ये अब स्टैक्ड हो गए, आप देख सकते हैं ये मूव हो रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं, तो इससे हमको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। इस वजह से मैंने इसे स्टैक्ड कर दिया, ठीक है। इन दोनों का कैप्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट 0 आ रहा है तो इस टेक्स्ट 0 को हटा करके यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट नंबर कर देंगे या वैल्यू कर देंगे, चलिए वैल्यू कर देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, तो एफ आई आर एस टी फर्स्ट देन वैल्यू, ठीक है। और इसको हटा करके सेकंड वैल्यू कर देंगे, क्या करेंगे सेकंड वैल्यू, कुछ भी दीजिएगा, जो दीजिएगा उसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, सेकंड वैल्यू। तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू और ये हो गया सेकंड वैल्यू, यानी दोनों का कैप्शन हमने चेंज कर, बनाएंगे एक लेबल। तो देखिए यहीं पर फॉर्म डिजाइन के अंदर रहते हुए यहां पर आपको दिखेगा ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये क्या है, ये है लेबल। तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करा दीजिए, ड्रैग कराने पे ये इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर मैं दे देता हूं लाइक मैंने दे दिया माय आंसर इज, तो इस तरीके से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये माय आंसर कर दिया, माय आंसर ही केवल मैंने लिख दिया, देख सकते हैं यहां पर लिख दिया है माय आंसर, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके ये जो आपने अभी लेबल हमने बनाया है, ये जो माई आंसर लिखा है ना, इसको हम यहां ना लिख करके इसको हटा देंगे, इसको हटाते हैं यहां से कट करते हैं और ये जो लेवल 8 आ रहा है ना इसको हटाएंगे, यहां पर माई आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर दे दिया है माई आंसर, अब ये खाली है पूरी तरीके से, देख सकते हैं। और यहां पर आकर के क्या करेंगे, क्योंकि हम एडिशन करवाएंगे तो यहां पर लिख दिया है प्लस, जो भी करवाना है वो लिख दीजिएगा यहां पर। तो अभी देख सकते हैं यहां पर प्लस लिखा हुआ आ रहा है, तो यहां पर कंट्रोल ई करिएगा ये बीच में आ जाएगा और कंट्रोल बी करिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बनाना एक बटन, तो यहां पर देखिए ये बटन है, ये बटन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये फॉर्म डिजाइन के अंदर आपको मिल जाएगा और यहां पर मैं इसे ड्रैग करवा देता हूँ। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी। अब चूंकि हमें वीबीए की कोडिंग करनी है, विजुअल बेसिक की, तो यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे कमांड 9 लिखा हुआ आ रहा है। यहां पर भी इसे सेलेक्ट करके और नेम में हम क्या करते हैं, कमांड प्लस कर देते हैं, सीएमडी प्लस PLUS, जो भी देंगे उसको याद रखिएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सीएमडी प्लस ही देना है आपको, ठीक है। और यहां पर एक शाइन दे देते हैं प्लस का, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे ऐड ही करवाना है, तो ये प्लस का शाइन दे दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देख रहे हैं। और बटन बनाना है, क्योंकि हम जब बराबर के निशान पे क्लिक करें तो वहां पर इक्वल टू यानी कि उसका आंसर आ जाए, तो यहां पर एक इक्वल टू का भी बटन बनाना है, इसीलिए इसको यहां से कैंसिल करके और अब यहां पर आते हैं और यहां देखिए कमांड 10 लिखा हुआ है, तो इसको हटाएंगे और यहां दे देंगे इक्वल टू, क्या देंगे इक्वल टू, और ये इक्वल टू दे दिया और यहां पर इक्वल टू का शाइन दे देते हैं। नीचे कैप्शन के अंदर हम क्या देंगे, इक्वल टू का शाइन देंगे। तो अब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बटन दिखेगा, देख रहे हैं। अब यहां पर प्लस आ रहा है और यहां पर इक्वल टू आ रहा है, देखिए एक काम और करना है, इसको यहां से जो प्लस लिखा है ना इसको हटा देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है,
ये खाली है, देख सकते हैं अब इस तरीके से हो गया है। यहां पर देख सकते हैं इसका कलर भी मैंने बदल दिया, यहां पर ये जो प्लस है और यहां पे इक्वल टू वाला जो हमने बटन बनाया है इसका कलर भी मैंने बदल दिया। यहां पर क्लिक करके आप कलर बदल सकते हैं, आप यहां पर क्लिक करके जो है बोल्ड कर सकते हैं इसे, तो बोल्ड भी कर दिया और कलर भी बदल दिया, ठीक है। और यहां पर जब हम आते हैं तो ये जो हमने लेबल बनाया था इसको भी आप देख सकते हैं, तो इसको नाम एक दे दिया गया है माई आंसर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि यही दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो भी मन करे, तो यहाँ पे LBL आंसर कर देते हैं, लेबल आंसर, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया है हमने लेबल आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबल आंसर LBL आंसर भी आ रहा है, ठीक है। और ये इसका नेम है, हम क्या करते हैं इस प्लस के बटन पर क्लिक करके और यहां से इवेंट के ऊपर जाकर के ऑन क्लिक पे जाएंगे और यहां से जाएंगे कोड बिल्डर पर। ये जो कोड बिल्डर दिखा दे, पहला मैक्रो बिल्डर है, दूसरा एक्सप्रेशन बिल्डर है, तीसरा कोड बिल्डर। तो हमें चूंकि बीबीए का कोड ही लिखना है तो हम चलेंगे कोड बिल्डर पर। तो ये आ चुके हैं कोड बिल्डर पर, आप देख सकते हैं इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहां पर हमें कोड टाइप करना है, कौन सा कोड टाइप करना है, यहां पर लिखेंगे हम मी डॉट LBL दिया था ना, LBL क्या करके दिया था, LBL आंसर दिया था हमने, तो LBL आंसर ले लिया हमने। और LBL आंसर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर डॉट लगाना है कैप्शन, CAPTION, तो ये लगा दिया डॉट कैप्शन, ठीक है। और कैप्शन लगा करके आपको क्या करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है और इज इक्वल टू का निशान लगा करके डबल डॉट कॉमा के अंदर आपको क्या लिखना है, प्लस का निशान इस तरीके से दे देना है और अब इसको सेव करना है। तो यहां से इसे सेव कर लेते हैं, तो ये फॉर्म टू के नाम से सेव हो रहा है, चलिए इसी नाम से सेव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम जरा चलेंगे क्योंकि यहां पर वो दो नंबर एंटर होंगे, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके और फिर हमें इनके डेटा टाइप्स को सेट करना है, ठीक है। तो सेट कहां से करेंगे, तो यहां पे ऑल दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आकर के फॉर्मेट में आइएगा, फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर आप इसे दे सकते हैं लाइक कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड आप सेट कर दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्टैंडर्ड ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस दिया गया, तो जितना डेसिमल प्लेसेस देंगे उतना आएगा, तो यहाँ 3 कर देंगे तो 3 आएगा, मैंने डेसिमल प्लेसेस यहाँ 3 कर दिया है, ठीक है ना। अब ये क्यों किया गया, इसका क्या फायदा क्या बेनिफिट है, तो जरा देखिए यहां पर जो है आप नंबर एंटर कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए 6 एंटर किया तो 6 एंटर हो गया और 3 डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं, 8 एंटर किया तो आप देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कैरेक्टर्स भी एंटर किए जा सकते हैं, यानी अल्फाबेट वगैरह कुछ भी एंटर कर दे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसके जगह आपने गलती से अल्फाबेट एंटर कर दिया, तो ये बताएगा कि आपको अल्फाबेट एंटर नहीं करना चाहिए। देखिए लिख रहा है ना, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड, दैट्स व्हाई ये मैंने किया, ठीक है। एक छोटा सा काम और करना है, यहां पर क्लिक करके इसका नाम भी तो हमें देना है, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट 0 दिखा रहा है, तो इसको हटा करके यहाँ पे चूंकि मैंने दिया है फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू दे दीजिएगा, जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही दे दीजिएगा, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देना है सेकेंड वैल्यू, तो इसका नाम चेंज करके लिख दीजिएगा सेकेंड वैल्यू, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आप भी लिख दीजिए, SECOND सेकेंड वैल्यू, ठीक है। एक हो गया फर्स्ट वैल्यू, दूसरा हो गया सेकेंड वैल्यू, अब ये काम हो गया, ठीक है। यानी अब अगर हम जाते हैं और यहां पर जैसे इस पर क्लिक किया इज इक्वल टू पे, और यहां से कहां चलेंगे, ये इवेंट पे जाके फिर यहां ये 3 ऑप्शंस पे, 3 जो डॉट बने उस पर क्लिक करके कोड बिल्डर पे जाएंगे, तो अब यहां पर हमारा जो भी कोडिंग लिखेंगे वो काम करेगा बहुत अच्छे से। कैसे काम करेगा ये देखते हैं, यहां पर कोड क्या लिखेंगे और फिर यहां पर हमें देना है जैसे आंसर ANSWER आंसर इज, और आंसर इज लिख के क्या करना है, जैसे ही आंसर इज लिखेंगे तो यहां पर अब डबल डॉट कॉमा को क्लोज करना है और फिर यहां पर एक बार एंड का सिंबल लगाइएगा, ये वाला एंड लगाइएगा, जैसे ये लगाया गया बिल्कुल वैसे ही, फिर यहां पर डबल डॉट कॉमा ओपन कीजिएगा, फिर यहां पर डबल डॉट कॉमा क्लोज कीजिएगा, फिर यहां पर एंड लिखिएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक बार गैप देके लिखिएगा मी डॉट फर्स्ट वैल्यू, तो यहां देखिए फर्स्ट वैल्यू अब आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गया और प्लस करिएगा, फिर यहां पे लिखिएगा मी डॉट सेकंड वैल्यू, तो एस जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहां पे आपको सेकंड वैल्यू भी दिखाई पड़ेगा, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए, काम हो गया है। यहां से सेव करिएगा और सेव करके अब चलते हैं कहां पर, अपने इस पर, ये जो फॉर्म दिख रहा है यहां पर, अब इस पर फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब तो यहां पे 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देते हैं, हम कुछ और टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक काम और यहां पे बाकी रह गया है वो भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना है। यहां पर फॉर्म पे क्लिक करके और यहां पर आपको फॉर्म चूज करना है, ये जो फॉर्म है ना इस फॉर्म में हमें आना है और यहां से आकर के क्या करना है,
यहां पर आपको यहां पे ऑल के अंदर दिखाई देगा पॉपअप, तो इस पॉपअप को यस कर दीजिएगा। ये यस कर दिया, आप देखिए ये इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हैं ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर आकर के यहां पे जो भी नंबर लिखे, जैसे मैंने 67 लिखा और यहां 4 लिखा, और हमें क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक किया, अब इज इक्वल टू करना है, तो जैसे इज इक्वल टू करेंगे ना तो यहां पर आपको आंसर दिखाई देगा। यानी आपने VBA की मदद से ये बना लिया, यानी इस तरीके का कैलकुलेटर, यानी इस तरीके का एडिशन सॉफ्टवेयर आप VBA की मदद से भी बना सकते हैं, और ये जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस समय काफी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये VBA से बनाना कैसे। अब देखिए यहां पर मैं फिर चेंज कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 78 लिखा और 78 में अगर 4 ऐड किया जाए तो क्या आएगा, तो यहां पे इक्वल टू पे क्लिक करते हैं, देखिए 82 तुरंत ये आंसर बताएगा। ठीक है, और ये बहुत शानदार है, क्या ये पॉइंट में भी कैलकुलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां पे 45.6 लिखा, उसमें 4 ऐड करना है, तो यहां पे देखिए 49.6 आ रहा है, तो बिल्कुल शानदार तरीके का है ये, और ये VBA कोडिंग की मदद से बना है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई डिमांड हो आगे की तो जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इस तरीके की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।